हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको मेरे एक पेशेंट से मिलाती हूँ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम ज़ेबा खान है, मैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट आठनेर से रहने वाली हूँ। तो आप सफल हॉस्पिटल में कब से कंसल्ट कर रहे हैं? सफल हॉस्पिटल में मैं 6 मंथ से कर रही हूँ। मेरा पहला प्रेगनेंसी अबॉर्शन हुआ है, दूसरा एक टॉपिक, तीसरा बेबी होके एक्सपायर हुआ था, ये चौथी प्रेगनेंसी है नेचुरल। मुझे बोल दिया गया था बैतूल में कि आप 9वें मंथ तक आप शायद ही पहुँच पाएंगे, और बीच में स्टिचेस लगने की वजह से मुझे पेन आना शुरू हो गया, तो तब से मैं यहीं का ट्रीटमेंट ले रही हूँ सफल हॉस्पिटल से। तो 6 महीने तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही, और 6ठे महीने से आपको पता चला कि इस प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी प्रॉब्लम है। तो 6ठे महीने में आपको क्या क्या पता चला आपकी प्रेगनेंसी के बारे में? जी, 6ठे महीने के बाद मुझे पता चला कि मेरी सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो रही है, जो मुझे मालूम नहीं था, मुझे बैतूल में बताया नहीं गया था कि शॉर्ट आ रही है। आपको जब ये पता चला कि आपके 6ठे महीने में आपको प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद आपने यहाँ कंसल्ट किया, तो आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए यहाँ पर? यहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट है, उसके बाद में मुझे स्टिचेस लगाए गए और कंप्लीट स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट बताया गया। आपकी अवल भी नीचे है? जी हाँ, अवल नीचे है, मेरी प्लेसेंटा पूरा PF है, और इस वजह से मैम ने कंप्लीट स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट ही बताए थे। तो ये हमारी बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ये पहले कई बार इनके अबॉर्शन भी हो चुके हैं, एक बेबी होके डायबी एक्सपायर भी हो चुका है, और एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी हो चुकी है। ये इनकी 4थी बार प्रेगनेंसी है, लेकिन एक भी लाइव बेबी नहीं है, और ये अभी इनका 9 मंथ शुरू है। सो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई? 8वें मंथ में मुझे शुगर बहुत काफ़ी बढ़ा हुआ आ रहा था, और लीकिंग भी, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने उसको कवर किए और शुगर को भी कवर किए, और 9 महीने तक की यहाँ तक प्रेगनेंसी लेकर आए। शुगर के लिए आपके क्या ट्रीटमेंट शुरू है? शुगर के लिए हम इंसुलिन ले रहे हैं, इंसुलिन शुरू है कंटिन्यू सुबह शाम दोपहर। और अभी आपके शुगर्स कैसे हैं? अभी शुगर्स नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इनके पहले अबॉर्शन भी हो चुके हैं, साथ ही एक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी रह चुका है, जिसकी वजह से लेप्रोस्कोपी करके उसको क्लियर किया गया। एक बार इनकी डिलीवरी हो चुकी है 9 मंथ में, लेकिन बेबी में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बेबी एक्सपायर हो चुका, और ये अब इनकी 4थी प्रेगनेंसी है। ये 4थी प्रेगनेंसी को हमने ट्रीटमेंट करके 9 महीने तक लेकर आए हैं। इस प्रेगनेंसी में इनकी सर्वाइकल लेंथ कम थी, इसी के साथ इन्हें प्लासेंटा प्रीविया भी है, और इसी के साथ साथ ये GDM भी है, यानी इन्हें जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है। इन्हें 8वें महीने में शुगर भी डिटेक्ट हुआ, और ये टैबलेट्स प्लस इंसुलिन दोनों पर है, और अभी इनके शुगर्स भी कंट्रोल है, और अभी इनके 36 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन्हें डिलीवरी के लिए हमने एडमिट किया है। प्लासेंटा प्रीविया होने की वजह से हम इन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करेंगे, हम इनका डायरेक्ट सीज़र ही करेंगे। तो बताइए, आपको कैसा लग रहा है पूरे 9 महीने में पहुँचकर? मुझे 9 मंथ तक पहुँचकर ठीक लग रहा है, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मेरे आने वाला बेबी भी ठीक ही रहे, बस यही मेरी दुआ है। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, देखते हैं डिलीवरी के बाद इनका क्या रिव्यू रहता है। मेरी डिलीवरी हो चुकी है, ये मेरा बेबी है, काफ़ी हेल्दी है, और मुझे इसके बारे में सारी फीडिंग करवाना और उसके सब कुछ कराना सिखाया गया है, और आज मेरा डिस्चार्ज है। ये मेरा बेबी है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और सारे स्टाफ और हॉस्पिटल के लिए मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, और सिप्पी मैम के लिए भी बहुत थैंक्सफुल हूँ। ठीक है, थैंक यू।